हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम लोग उठे हैं एंड जस्ट अभी हमारा चाय नाश्ता हुआ हम लोगों का, और भगवान जी का भजन बुधा चल रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे, पहले ब्रश व्रश करेंगे और उसके बाद हमें कहीं जाना भी है बाहर। मम्मी को जाना है बैंक से, तो आएंगे डायरेक्ट शाम को। हम सबको जाना है किसी काम से बाहर, तो मिलता है आपसे शाम को। और आज एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं हम घर पे, जो बहुत डिमांडेड है आपकी रेसिपी थी, वो आज बनेगी। तो मिलता है आपसे शाम को। मेरा पुत्र कर रहा है, मजदूरी करा रही है, बाल मजदूरी हो रही है और पगार में मिलेगा इसको 4 मंचूरियन। तो यार कमीशन वक्त 7 मिला के 8 बगला नहीं था तो ना 12। ए रुक जा रुक जा, देखो ये जो है ना बारीक वाला रखो, और जो मोटे मोटे किए हो ना हाँ। इसको अलग रखो, इसको मैं कर दूंगी तड़का में। ये देखो, तो गाइस सबसे पहले आपको तो पता ही है, लेकिन इसका कद्दूकस नहीं करना चाहिए, ज्यादा ही हो रहा है बारीक। ठीक है, मोटा वाला यूज कर रहा हूँ। चलो रुको, मैं तुम्हें इधर से करने हैं मोटे वाले की तरफ से कद्दूकस। हाँ, तो एक बार मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, पहले कद्दूकस कर लो। सो गाइज देखिए, यहाँ मैं सब तैयारी कर चुकी हूँ, मैं और मेरे बेटे दोनों मिलके सब कुछ आपको मैं बारी बारी दिखाती हूँ। ये देखो, ये हो गया फ्लेवर। माही इसका फ्लैश ऑफ करियो। लो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या काटा है इसके लिए। ला एक सेकंड। सो गाइज देखो, यहाँ मैं इसको ग्रेट कर चुकी हूँ बंधा गोभी, और इसमें एक बड़ा प्याज भी ग्रेट करके अच्छे से डाली हूँ। और तड़के के लिए मिर्ची और अदरक लहसुन इसमें बढ़िया से चॉप कर ली हूँ। यहाँ मैंने काटे हैं मोटे मोटे स्लाइसेस शिमला मिर्च के। मेरे पास 3 कलर नहीं थे, मेरे पास सिर्फ ग्रीन था। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप करें। यहाँ मैंने प्याज काटा है, लगभग ग्रीन ही होता है, पर क्या ही किया जाए, मैं गरीब शेफ हूँ। और ये मोटे मोटे काटी हूँ कैबेज तड़के के लिए। अब इसमें सारे मसाले जाने वाले हैं। ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं देना, मैं बना रहे हैं उस हिसाब से। देखो ये हो गया गरम मसाला, ज्यादा नहीं। ये हो गया सौंफ का पाउडर, बस 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 भाई डब्बे को पलट दिया, ज्यादा नहीं कर दे। ये हल्की हो गई लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी और डाल दे, तीखा कम खाते हैं लोग इसीलिए कम ही डालूंगे। और यहाँ हो गया जीरा और काली मिर्च, इसमें दोनों हैं। और ये सारे मसाले होममेड हैं, सारे जितने भी हैं ना सारे होममेड हैं। ये भी वो भी सबको मैं पीस वीस के आराम से एक जगह डब्बे में। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ है ये कलर, ये फूड कलर है, इसको बढ़िया सा कलर देने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद ये देखिए, ये मंचूरियन मसाले मैंने मंगाए हैं और डालूंगी। जो चीज आपको जितनी अच्छी दिखती है ना खाने में तो टेस्टी भी लगती है। तो अब डालो इसमें नमक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नमक, आप भूलना नहीं आपको ये चीज बिल्कुल भी। तो अब इसमें जाएगा नमक। और ये देखो, ये मेरा छोटा शेफ है, इसको मैं अपॉइंट करी हूँ, बस हो गया। मिक्स करती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं करूंगा। मैंने मैदा मिक्स किया और मैदा को अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसमें डालूंगी कलर, खोलो बंद करो, पकड़िए इसको। मैंने इसमें ट्विस्ट डाला है, ट्विस्ट पता है क्या है, ट्विस्ट है इसको क्रंची फ्लेवर देने के लिए चावल का आटा। ये है चावल का आटा और मैंने इसको इसलिए इसमें डाला है ताकि ये खूब अच्छा सा क्रिस्पी हो, एकदम बढ़िया सा टेस्ट हो इसका। चावल का आटा डालने से ज्यादा क्रंच आता है, क्रंची हो। अगर आपको उतना क्रंच नहीं चाहिए तो आप, और ये देखो रेस्टोरेंट का कलर भी आ गया इसमें, है ना, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अब इसको फटाफट तलने की तैयारी की जाए। चलो बंद करो, देख सकते हैं गाइस, आपको इसे इसको फ्राई कर देना है और गोल गोल करके हाथों से इसमें फ्राई कर देना है अंटिल आपको एक गोल्डन ब्राउन कलर का मतलब ना आ जाए उसकी कलर। आपको तब तक फ्राई करना है तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये रेडी हो गया। ये अभी नहीं हुआ है, देख सकते हैं जब एक बार बन जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे क्रंचीनेस कितनी है। ये मैं यहाँ मंचूरियन की बॉल्स तैयार कर चुकी, और ये देखो कितने बेहतरीन कलर इसके आए हैं। और ये एक दूसरे में रगड़ के दिखाना जरा, लो रगड़ के दिखाना इसकी क्रिस्पी कितना है। अब इधर दिखाना माइक, चलो रखो चुरा लूं। और यहाँ मैं ये तल रही हूँ, उसको सुखाई खाने का मन था वो गया,
आराम से देखो ये बन रहा है, देखो बन रहा है, और यहाँ बन चुका। बाकी चीजों की तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो सूखा सूखा खा रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ये बनाना है आप लोग, मैं रेकमेंड करूंगी आप लोग बाहर का कम ही खाओ, घर में ज्यादा बनाया करो। कम चीजों में और कम खर्चों में बहुत सारा आप बना सकोगे, थोड़ा सा बस मेहनत की जरूरत पड़ती है। थोड़ा थोड़ा भी आप मेहनत कर लीजिएगा ना, तो बढ़िया प्योर चीजें खाने आपको मिलेगी। और बाय गॉड कह रही हूँ, इतना स्वादिष्ट ये बना है बॉल्स, अभी तड़का बाकी है। मैं आपको पूरा रेसिपी दिखाई भी हूँ, बताई भी हूँ मैंने कैसे ग्रेट किए हैं और मैंने क्या क्या उसमें मैदा मिलाया है, फिर उसमें चावल का आटा मिलाया है ताकि वो थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी बने। और तड़के के लिए यहाँ मोटे मोटे मैंने ये बंद गोभी काटे हैं, फिर मैंने यहाँ मोटे मोटे प्याज काटे हैं, फिर मैंने यहाँ मोटे मोटे बंद शिमला मिर्च काटे हैं। तीन कलर के पड़ता है लेकिन मतलब ऑप्शनल है, आपके पास जो है वही डालो। अदरक लहसुन यहाँ पे काटती हूँ बढ़िया से, मिर्ची काटती हूँ। और यहाँ देखो ये चीज़ें हैं मसाले, मंचूरियन मसाला, और वो डालूंगी ग्रेवी के लिए, तो दिखा दूंगी कौन स्टार आपको स्टार्च डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। खूब आसान है, खूब बनाओ, खूब खाओ। गाइस अब मैं जा रही हूँ किचन में, पकौड़े वकौड़े तो मैं तल ली थी, उसकी बॉल्स को अच्छे तरीके से मैंने आपको दिखाया भी, और किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी करा था बहुत बार, उन्होंने कमेंट करा बहुत बार नहीं शायद दो बार करा, दो लोगों ने किया था कि कैबेज मंचूरियन बना के दिखाइए दीदी प्लीज़, उसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो इसीलिए मैंने कैबेज मंचूरियन बनाया है और मैं जा रही हूँ आगे का प्रोसेस। बस देखो मैं यहाँ पे क्या करी, तेल को हटा ली, मैंने सारे पकौड़े तल लिए थे, अब यहाँ तेल हटा ली हूँ, अब ये है ठंडा, अब ये हो रहा है गर्म। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी तड़का, देखो अब इसमें डाल दूं मैं अदरक लहसुन का तड़का। हाँ तो गाइस अब क्या इसकी खुशबू है, अब देखो इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, अब डालूंगी प्याज, और इसको बहुत ही कम पकाना होता है, ये बहुत कम पकता है, ये ज़्यादा नहीं पकता है, तो अपने हिसाब से, क्योंकि इसका जो क्रंची वाला फ्लेवर है ना वो बिल्कुल होना ही चाहिए हर हाल में, तो क्रंची में के लिए मुझे इसे कम पकाने होते हैं, क्रंची कर दी है। मुझे पकाना था पैन में, मैंने कढ़ाई में बनाना शुरू कर दिया। किचन में अगर जगह कम हो तो कितना मुश्किल होता है पैन उतारने के लिए, चाहे कुकर करना पड़ा, नॉर्मली कुर्सी उर्सी लगा के उतार लेते हैं, लेकिन अब अभी मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है कि मैं कुर्सी लगाऊँ, इसीलिए इसको कलर आ रहा है ऐसे करती रही है आप, मम्मी आग लगती है इसमें विनेगर डाल के, बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसा कर रही हूँ। हो गया चौटे, अब इससे ज़्यादा इसे नहीं करना, इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है, डार्क से विनेगर डालें, स्वाद के हिसाब से सोया सॉस रहेगा, टोमेटो का सॉस, देखो इसमें सोया सॉस डाल दी है, टोमेटो सॉस और ग्रीन चिल्ली, अभी देखो कितना टाइम टाइम हो गया है ना, चिंग्स का है मसाला, अब इस घोल को इसमें जिसमें सब रहता है जीना मोटो वगैरह सब रहता है, अब इसमें इसको ऐड करी हूँ, और इसको अच्छे तरीके से फ्लेम धीमा रखनी है आपको, देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ये, अभी से फ्लेम एकदम कम रखिएगा, फ्लेम ज़्यादा तेज,
वेजिटेबल ये क्रंची रहे, ये ज़्यादा पके ना, इसको पकना ज़्यादा ठीक नहीं है। इसका सिलेरी मैं तैयार कर लेती हूँ थोड़ा। मैं सिलेरी बना ली हूँ अच्छे से, ये देखो। अब इसमें ये डाल दूँगी। अब इसको फ्लेम तेज करनी है, अब आराम से इसे पकानी है। अब ये देखो ये ठीक होने लगी है। इसके बाद तुरंत आपको मंचूरियन बॉल्स ऐड करना है, इसको अच्छे से मिलाओ। नेल कटर वही कटर, ये तो डब्बे में होगा, नहीं कर देंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे अच्छे से। आप एक बार इसको आप देखो थोड़ा बढ़िया से, क्या आपको लग रहा है, क्या ये रेस्टोरेंट से कम पावर है? तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग घर में बनाओ चीज़ों को, और इतनी आसान तरीके से ये बन जाएगा कि मैगी से भी इजी लग रहा है। तो देखो तो गाइस देखो ये हो चुका है बिल्कुल टेम्पटिंग रेडी खाने के लिए। बट इसका कलर देखो तो ये बहुत, दो लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेरा परिवार यूट्यूब फैमिली बहुत छोटा है भाई, लेकिन उन्हीं में से किसी ने करा था कमेंट कि आप ये मुझे बना के दिखाओ मंचूरियन, कैबेज मंचूरियन। मैंने कहा चलो बना के दिखाती हूँ, और ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रिकमेंड हर किसी को करूँगी। मैंने गैस बंद कर दिए हैं और रायता फैला चुकी हूँ, पूरे किचन का कबाड़ कर चुकी हूँ। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए सबको ये मंचूरियन। एक सेकंड, हमने हाथ थोड़ा पास कर दिया पैन के पास। चलो चल रहा है ये मंचूरियन घर में। तो गाइस यहाँ बंटवारा होगा धीरे धीरे, अब इसको सब खा के बताएंगे कैसा है। ऐसा है खाने में, खा के बताइए। पापा खा रहे हैं, उनको थोड़ी सी चाहिए। बस मेरा है गाइस, जिसको जिसको खाना है सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं कितने का आएगा, ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, ठगते हैं जाने कितना वो लेंगे आप ये चीज का। और एकदम ये स्ट्रीट स्टाइल मम्मी ने बनाया, एकदम बढ़िया सा देख सकते हो। तो गाइस देखा आपने मैं कितने आसान तरीके से मंचूरियन बना के आपको दिखाई, और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है। गरम मसाला आपके घर में होता है, प्याज और सॉस वगैरह नॉर्मली जनरली हर किसी के घर में मिलता ही है, विनेगर वगैरह हर किसी के घर में होता है, शिमला मिर्च प्याज आपके घर में होता है, चावल अगर चावल के आटे नहीं है तो आप इसी दुकान से ला सकते हो, अगर उसमें भी नहीं है तो थोड़ा सा कच्चा चावल को मिक्सी मशीन में आप दर दर पीस सकते हैं, बारीक पीस लीजिएगा मिक्सी मशीन में डाल के, तो खूब आसानी से तुरंत हो जाएगा। बाकी तो सब प्रोसेस आपके सामने ही था, मैदा वगैरह हर किसी के घर में होता है। तो इन नॉर्मल सी चीज़ों से आप बहुत ही यूनिक चीज़ें बना सकते हैं, जो बच्चों को आजकल तो बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ों के भी पसंद बन चुकी है। तो ये सब डिशें आप आसानी से बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें घर में थोड़ा बहुत होने से क्या होता है कि खाने का मूड भी चेंज होता है और बच्चे खुश भी होते हैं। तो बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। कैसा है पीयू? सच में फ्रेंड बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप लोग ये जो इधर उधर से मंगा के खाते हो, बड़े घर पे बना लो, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ से मंगा के खा रहे हो, पर एक बार आप ट्राई करके देखो घर में बना के बढ़िया साफ सुथरे तरीके से और कम पैसे में, ये बहुत सारी बन जाएगी पूरा फैमिली, हमको लगता है पेट भर जाएगा। और सबसे अच्छा ये खाने में मंचूरियन लगता है शेजवान राइस के साथ, और ये हेल्दी भी बहुत है। शेजवान राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन मम्मी ने आज इतना अच्छा बनाया, और ये हेल्दी भी है एंड अच्छा भी लगता है क्योंकि इसके अंदर बंदा गोभी बड़ा है। पसंद आया भाई सबको। रेसिपी आपको चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा वेज मंचूरियन मुझे जरूर आप बताइएगा। अपना प्यार सपोर्ट मुझे हमेशा देते रहिएगा। मिलूंगी जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, इंजॉय किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी आपसे नए रेसिपी के साथ मिलूंगी, नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे, गुड नाइट।